सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि जब स्वामी प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में थे तब उन्हें चौपाई नहीं याद आया, जैसे ही अन्य पार्टी में गए अब उन्हें रामायण की चौपाई याद आ रही है। कहीं ना कहीं वो राजनीतिक एजेंडा अपना सेट करना चाहे, रविंद्र कुशवाहा ने कहा। ये सुनते हैं उनका इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी में आकर के 5 साल सत्ता सुख होगा, उस समय उनको रामचरितमानस की चौपाई नहीं याद आ रही थी। ये बहुत ही सत्ता लोलूप और मक्कार आदमी है और बराबर सत्ता से चिपके रहना चाहता है। कभी भी एन केन प्रकारेण कैसे उसको लाल बत्ती मिले, इसी चक्कर में रहता है। और इसी कारण उसने जो हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसके बारे में टिप्पणी किया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, हम समझते हैं ये हिंदू के नाम पर कलंक है। और कहीं से भी स्वामी प्रसाद मौर्य, जो हम समझते हैं कि मौर्य समाज के ही लोगों ने उसको बहिष्कृत करने का काम किया है, कोई उसको अपना नेता नहीं मानता है, आज सत्ता के लिए अखिलेश यादव की गोद में बैठा हुआ है और कहीं भी इसकी कोई इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान नहीं है। और हम तो सभी मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, साक्ष सैनिक समाज से अपील करते हैं कि इसका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए, क्योंकि ये हमारे हिंदू और सनातन धर्म का इसने अपमान किया है। ऐसे व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को वो मंदबुद्धि बता रहे हैं, जो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको मंदबुद्धि बता रहे हैं, जो मंदबुद्धि हैं, जो इस तरीके के उनको लोगों कर रहे हैं। इसको धर्म का कितना ज्ञान है, इसी बात से पता चलता है कि केवल एक विवाद पैदा करने के लिए और अपना नाम लाइट में लाने के लिए उसने इस तरह की बात बोली है। और आज तक हम तो यही कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी में 5 साल रख के सत्ता सुख भोग रहे थे तो तुमको रामचरितमानस की चौपाई नहीं याद आती थी। भारतीय जनता पार्टी सनातन हिंदू धर्म की रक्षक पार्टी है और उसी उद्देश्य को लेकर के आगे चलती है। और जब तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तुम भाग के चले गए और जाने के बाद से उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं।